कोई बात पहले ही सत्र के अंदर कश्मीर के अंदर से धारा 370 और 35 ए को हटाने का काम ये नरेंद्र मोदी साहब। कश्मीर समस्या को एक कांग्रेस पार्टी अपनी वोट बैंक की लालच में 70 साल से नहीं चल, इसका रास्ता नहीं निकला। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत माता के मुकुटमणि पर कलंक था 370 और 35 का, उसको हटाकर आज कश्मीर के विकास के रास्ते खोल दिए। देश में आतंकवाद को आने का गेट वे बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, आप सभी लोग बताओ, अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं बहनें दीदी बताएं, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देश का हर व्यक्ति चाहे अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने, मगर एक कांग्रेस पार्टी कैसी नहीं चलनी। अभी अभी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कर ये निर्णय कर दिया है सर्वानुमत से कि राम जन्मभूमि की जो जगह है वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। इतने सालों से ये फैसला नहीं हो, हम भी चाहते थे कि फैसला अदालत करे, संवैधानिक रूप से इस झगड़े का, इस विवाद का रास्ता निकले। और देखिए श्री राम की कृपा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता खुल गया है। देश की सालों से पड़ी हुई समस्याओं को मोदी जी एक के बाद एक निपटाते जाते हैं। मित्रों, मैं आज इतना ही कहने आया हूं, सुबह ने 7 बजे से मतदान, जब मतदान करने जाइए जाति मत देखिएगा, व्यक्ति मत देखेगा, प्रत्याशी मत देखेगा, झारखंड के गरीब को याद कर कमल के निशान पर बटन दबाने का काम करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं 5 साल के अंदर मोदी जी और रघुवर दास की जोड़ी झारखंड को बहुत आगे ले जाने वाली है। पिछड़े हुए राज्य को हमने एक मकाम तक लाकर छोड़ा है और इसको विकसित राज्य बनाने का काम अगले 5 साल में होने वाला है। तो मैं आपको करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना दीजिए, हम झारखंड को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे और रही सही जो नक्सलवाद की समस्या है उसको मूल समेत उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। बताओ भाइयों बहनों, यहां इतने लोग खड़े हैं, बाहर भी रोड पूरा भरा पड़ा है, सब लोग मिलकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? भाई आवाज जोर से नहीं आता, बोलो जरा, बनाओगे? हमारे भाई रघुपाल मनिका के आगे आओ, रघुपाल जी, मनिका के प्रत्याशी रघुपाल को जिताओगे? लातेहार के प्रत्याशी प्रकाश राम जी को जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, प्रचंड विजय की संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी झारखंडवासियों को मेरा प्यार से जोहार।